हे दोस्तों, कैसे तुम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ तुम सब अच्छे होगे। तो आज है क्रिसमस और मेरी तरफ से तुम लोगों को मैरी क्रिसमस। और जैसा कि आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसलिए आज का वीडियो भी काफी ज्यादा स्पेशल होना चाहिए। जो कि मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट बता दिया था कि 25 दिसंबर के दिन हम लोग कुछ स्पेशल करेंगे। और हाँ, जो आज की स्पेशल वीडियो है वो अब आ चुकी है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे अपने 2024 के अपकमिंग एनिमेस के बारे में। और मुझे पता है कि यहाँ पे जो भी मेरे वीडियोज रेगुलरली देखते हैं, उन्हें पता है कि अगले साल कौन कौन सा एनिमे आने वाला है। लेकिन इस वीडियो को डिफरेंट और स्पेशल बनाने के लिए अगले साल कौन कौन से हिंदी डब में आएंगे उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही मैं आप लोगों को इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स भी क्लियर कर देता हूं। जैसे कि मैं जितने भी एनिमेस के बारे में आज बात करने वाला हूं, उनकी रिलीज डेट, उनका हिंदी डब, सब जो ऑफिशियली में हिंदी डब में कंफर्म होगा उसी के ऊपर आज मैं बात करूंगा। और एक और बात, यहां पे मैं सिर्फ एनिमे सीरीज के बारे में बात करूंगा, कोई मूवी वगैरह बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि 2024 में बहुत सारी मूवीज भी आने वाली है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ एनिमे सीरीज के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और चैनल को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो, क्योंकि 40K सब्सक्राइबर के हम लोग काफी ज्यादा नजदीक है। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी करके रखा है तो आप लोगों का बहुत ज्यादा थैंक यू। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1, क्लासरूम ऑफ द इलीट सीजन 3। सो यहाँ पे अपने कोड के सीजन 3 के लिए तो लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पे फाइनली इसका सीजन 3 3 जनवरी से आएगा। और इसके अलावा बात करें कि इसका हिंदी डब आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका हिंदी डब नहीं आने वाला है, क्योंकि जब सीजन 1 2 हिंदी डब हुआ ही नहीं है तो सीजन 3 कहाँ से हिंदी में आ जाएगा। इसलिए हाँ, अभी आप लोग को इसके लिए वेट करना होगा। सो नंबर 2, फ्रेयर एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड पार्ट 2। सो फ्रेयर एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड का एनिमे जो कि 2023 में बहुत ज्यादा हाईलाइट में रहा है, और ये एक्चुअली में एनिमे बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मैं आप लोग सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको एक बार जाके जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देख लिया है, तो यहाँ पे बात करें पार्ट 2 के बारे में। सो पार्ट 2 आने वाला है 5 जनवरी के दिन, जो की काफी अच्छी बात है। एंड नंबर 3, सोलो लेवलिंग। सो 2024 का मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे जो की है अपना सोलो लेवलिंग। सो यहाँ पे क्रंचीरोल ने इसका स्क्रीनिंग ऑलरेडी हिंदी डब में करवा दिया है इंडिया के अंदर। एंड टू बी ऑनेस्ट, जहां जहां पे इसकी स्क्रीनिंग हुई है वहां से सिर्फ इसकी तारीफ सुनी मिल रही है, और तारीफ करनी भी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भी इसका मानवा पढ़ा है उन्हें पता है कि ये सीरीज काफी ज्यादा ही कमाल की होने वाली है। लेकिन अब बात करें कि ये सीरीज आएगी तो आएगी कब, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सोलो लेवलिंग का सीजन 1 आने वाला है 6 जनवरी के दिन, और साथ ही में इसका हिंदी डब भी आने वाला है, जो कि इसके एनिमे की तरह ही बहुत ज्यादा कमाल का होगा। और देखा जाए तो बहुत कम टाइम बचे हुए है, तो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो कि आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो कि नहीं। तो नंबर 4, द अपोथेकरी डायरीज पार्ट 2। सो यहाँ पे द अपोथेकरी डायरी का भी एनिमे अभी 2023 में बहुत ज्यादा हाईलाइट में रहा है, और अब पार्ट 1 खत्म हो चुका है, तो अब बारी आती है पार्ट 2 के बारे में। सो पार्ट 2 भी आएगा हमारा 6 जनवरी के दिन, जो कि आप लोगों को हिंदी डब के साथ भी देखने मिलेगा, क्योंकि इसका पार्ट 1 हिंदी डब में अवेलेबल है, जो कि आप लोग क्रंचीरोल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड नंबर 5, किंगडम सीजन 5। सो किंगडम एनिमे को लेकर भी मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसका न्यू सीजन कब आएगा। सो यहाँ पे मैं उन लोग बताना चाहूंगा कि अपने किंगडम का सीजन 5 भी शेड्यूल हो चुका है 6 जनवरी के लिए। एंड नंबर 6, ब्लू एग्जॉस्ट सीजन 3। सो अगर आप लोगों ने भी ब्लू एग्जॉस्ट का सीजन 1 और सीजन 2 देख रखा है, सो यहाँ पर आप लोगों के लिए सीजन 3 भी आने वाला है, जो कि अब 6 जनवरी के दिन आएगा। सो हाँ, ब्लू एग्जॉस्ट के जितने भी फैंस है वो लोग भी यहाँ पे रेडी हो जाओ। एंड नंबर 7, रंगना क्रिमसन। सो यहाँ पे अगर आप लोग इस एनिमे को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि अब रंगना क्रिमसन का पार्ट 2 फाइनली शेड्यूल हो चुका है 13 जनवरी के लिए। नंबर 8, मैशले मैजिक एंड मसल्स। सो सच कहूँ तो यहाँ पे मैशले मैजिक एंड मसल का जो एनिमे है वो मेरा 2023 में फेवरेट एनिमे भी रह चुका है। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग इसको जाके जरूर देखना, क्योंकि ये काफी अमेजिंग सीरीज है। हालांकि जिन्होंने भी मेरे जैसे इस एनिमे सीरीज को देख रखा है, यहाँ पर उनका सवाल ये है कि इसका सीजन 2 कब आएगा। सो इसको लेकर भी हमारे पास एक अच्छा अपडेट है, क्योंकि मैशले मैजिक एंड मसल का सीजन 2 जनवरी के लिए शेड्यूल है। हालांकि अगर आप लोगों ने मैशले मैजिक एंड मसल के एनिमे को हिंदी डब में देखा है, तो यहाँ पे सीजन 2 को लेकर भी आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीजन 2 के आने से पहले ही क्रंचीरोल ने इसका हिंदी डब कंफर्म कर दिया है, जो कि यहाँ हिंदी डब फैंस के लिए तो एक और अच्छी न्यूज आ चुकी है। एंड नंबर 9, मॉन्स्टर्स। सो इसका नाम सुनने के बाद आप लोग मॉन्स्टर सीरीज के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अपने वन पीस के राइटर की एक और मांगा मॉन्स्टर के बारे में, जिसको यहाँ पे फाइनली एनिमे अडैप्टेशन मिलने वाला है। और बेसिकली एक वन शॉट मांगा है, जो कि इचिरोडा ने तब लिखा था जब उन्होंने वन पीस को भी स्टार्ट नहीं किया था। और बेसिकली यहाँ पे आप लोग जानना चाहोगे कि इसकी स्टोरी क्या होगी, तो यहाँ पे बता दूं कि ये वन शॉट मांगा है, यानी इसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर था, और यहाँ पे एक चैप्टर का मतलब है सिर्फ एक एपिसोड। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। लेकिन इसके जो एपिसोड 1 के अंदर जो आप लोगों को स्टोरी देखने मिलेगी वो होगी रियुमा की स्टोरी, जो कि अपने जोरो के एंसिस्टर है। और हाँ, शायद ये नेटफ्लिक्स वगैरह पे आएगा, सो आप लोग उसको वहां से देख सकते हो। नंबर 10, काइजू नंबर 8। सो काइजू नंबर 8, जिसको इंटरनेट पर एक दूसरा नाम भी मिल चुका है, जो कि है अपना नेक्स्ट अटैक ऑन टाइटन। और इसको नेक्स्ट अटैक ऑन टाइटन क्यों कहा जा रहा है वो तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने इसका मांगा नहीं पढ़ा है। लेकिन जिन्होंने भी इसका मांगा पढ़ रखा है उन्हें पता है कि ये सीरीज काफी ज्यादा कमाल की होगी। इसलिए बात करें कि काइजू नंबर 8 का एनिमे कब तक आएगा, तो यहाँ पे बता दूं कि
कि काइजू नंबर 8 का एनिमे आने वाला है अप्रैल में। अप्रैल में कब आएगा वो तो अब अप्रैल में ही पता चलेगा। लेकिन जहां तक हम लोग बात करें इसके हिंदी डब के बारे में, सो ये एनिमे क्रंची रोल पर आने वाला है। सो यहाँ पे चांसेस ये है कि हम लोगों को इसका हिंदी डब देखने मिले, लेकिन सिर्फ चांसेस कह रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियली कन्फर्म नहीं है। इसलिए फिलहाल के लिए आप लोग इसको रूमर की तरह ही लेके चलना। एंड नंबर 11 मिशन योजाकुरा फैमिली। सो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत से बंदों ने इस एनिमे का नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन हाँ जहां तक मैंने इसके बारे में सुना है तो मुझे पता चला है कि ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है। और अब यहाँ पे इसका एनिमे भी आ रहा है जो कि आप लोगों को अप्रैल में देखने मिलेगा। नंबर 12 द टाइम आई गॉट रिकार्नेट एज अ स्लाइम। सो अब हम लोग बात करेंगे अपने इस ईसा का एनिमे के बारे में जो कि बहुत से लोगों को पसंद है। और यहाँ पे द टाइम आई गॉट रिकार्नेट एज अ स्लाइम की सीजन 3 का जो भी इंतजार कर रहे थे, मैं उनको बताना चाहूंगा कि इसका सीजन 3 शेड्यूल हो चुका है अप्रैल के लिए। एंड नंबर 13 मोशुको टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन। सो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि हम लोगों का अगला एनिमे भी एक ईसा का एनिमे है, लेकिन यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों ही ईसा का एनिमे बहुत ज्यादा कमाल के है। और यहाँ पे हम बात करें मोशुको टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन के सीजन 2 के पार्ट 2 के बारे में, जो कि हाँ अगर आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे तो आप लोग अकेले नहीं हो, मैं भी इसका इंतजार कर रहा था। और अब फाइनली हम लोग को इसका सीजन 2 का पार्ट 2 अप्रैल में देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ही, लेकिन आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। नंबर 14 विंड ब्रेकर। सो विंड ब्रेकर की सीरीज जिसके लिए अगर आप लोग इंतजार कर रहे थे तो मैं बता दूं कि ये अप्रैल में आने वाला है। एंड नंबर 15 डीमन स्लेयर सीजन 4। सो अब हम लोग आ चुके हैं डीमन स्लेयर एनिमे पर, जहां पे सीजन 4 को लेकर तो पूरी दुनिया में ही लोग इंतजार कर रहे थे। और अब यहां पे फाइनली डीमन स्लेयर का सीजन 4 भी ऑफिशियली आने वाला है, जो कि मुझे पता है कि डीमन स्लेयर सीजन 4 के अंदर सिर्फ हाशिरा ट्रेनिंग आर्क ही इंक्लूड होगा। लेकिन उस चीज को साइड कर अगर हम लोग डीमन स्लेयर वालों की कंसिस्टेंसी देखें, मतलब हर साल ही वो लोग डीमन स्लेयर का न्यू सीजन ला रहे हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। और अब जहां तक बात करें डीमन स्लेयर सीजन 4 की हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के बारे में, जिसकी पहली तो हम लोग को एक कंपाइलेशन मूवी फरवरी में देखने मिलेगी। और जैसे कि मैंने कहा है कि मैं इसके अंदर सीरीज के बारे में बात करूंगा, इसलिए मैं आप लोग बता देता हूं कि डीमन स्लेयर सीजन 4 हाशिरा ट्रेनिंग आर्क आने वाला है स्प्रिंग 2024 में, जो कि अगर अंदाजा लगाया जाए तो ज्यादातर चांसेस है कि ये अप्रैल में देखने मिले। और जहां तक बात रही इसके हिंदी डब के बारे में, तो यहां पे क्रंचीरोल वाले इसकी जैसे भी हिंदी डब करे, लेकिन आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका हिंदी डब भी आएगा जो कि क्रंचीरोल वाले ही लेकर आएंगे। नंबर 16 माय हीरो एकेडमिया सीजन 7। सो एमएचए फैंस के लिए तो अगला साल काफी ज्यादा कमाल का होगा, क्योंकि सबसे पहले तो माय हीरो एकेडमिया का सीजन 4, 5, 6 कार्टून नेटवर्क पर आएगा अगले साल। और वो कब तक आएगा उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, जो कि आप लोग ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हो। साथ ही में माय हीरो एकेडमिया की एक फोर्थ मूवी भी आने वाली है, जो कि शायद समर में देखने मिलेगी। लेकिन हम लोग बात करें माय हीरो एकेडमिया सीजन 7 के बारे में, तो यहाँ पे सीजन 7 का जो भी इंतजार कर रहे थे, मैं उनको बता दूं कि ये 4th में को आने वाला है। और अब मैंने सीजन 7 की भी रिलीज डेट बता दी है, लेकिन अब बहुत से लोग पूछेंगे कि इसका हिंदी डब कार्टून नेटवर्क पर आएगा कि नहीं, जो कि मैं सबसे पहले तो क्लियर कर देता हूँ कि एमएचए का सीजन 7 पहले जापान में एयर होगा। और जापान में जब सीजन 7 के 25 एपिसोड्स पूरी तरीके से एयर हो जाएंगे, तब उसके बाद हम लोग को ये सीन आई पर देखने मिलेगा। सो यहाँ पे कुल मिलाकर मैं बस ये कहूंगा कि सीजन 7 का भी हिंदी डब आएगा, लेकिन वो 2024 में नहीं आएगा, वो अगर आना भी हुआ तो वो 2025 में आएगा। नंबर 17 ड्रैगन बॉल दाइमा। सो ड्रैगन बॉल फैंस जो कि ड्रैगन बॉल की न्यू सीरीज के लिए काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, और अब फाइनली जो ड्रैगन बॉल की न्यू सीरीज को लेकर लीक्स आ रही थी, अब वो कंफर्म भी हो चुकी है, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर ड्रैगन बॉल फैंस के लिए ड्रैगन बॉल दाइमा की वेब सीरीज आने वाली है, जो कि हाँ इसके नाम से पता चल चुका है कि ये वेब सीरीज है। सो यहाँ पे ये ओटीटी पर आएगी। एंड जहां तक बात करें कि ड्रैगन बॉल दाइमा कब आएगा, सो मैं बता दूं कि ये अक्टूबर में आने वाला है। और इतना मैं बता देता हूँ कि ये अक्टूबर के टाइम में क्रंची रोल पर आएगा, जो कि अगर आप लोग यही सोच रहे हो कि ये हिंदी डब में आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये हिंदी डब में भी आएगा। और मुझे पता है कि ये कुछ कंफर्म वगैरह नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो टोई एनिमेशन को ड्रैगन बॉल दाइमा को लेकर बहुत सारे प्लान्स है, जो कि उनमें से एक प्लान उनका इंडिया को लेकर भी है, जहां पे वो ड्रैगन बॉल दाइमा को हिंदी डब में रिलीज करेंगे। और सिर्फ हिंदी डब में नहीं, इंडिया की रीजनल लैंग्वेज में भी इसको रिलीज करेंगे, जो कि हाँ कुल मिला के आप लोग बस यही समझ जाओ कि इसका हिंदी डब आएगा ही आएगा। जिसके लिए ड्रैगन बॉल फैंस आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। नंबर 18 डैन डैन डैन। सो जैसे मैंने आप लोग बताया कि काइजू नंबर 8 को अगला अटैक ऑन टाइटन का नाम दिया गया है, यहाँ पर अपने डैन 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 एनिमे को भी अगला चेंसो मैन एनिमे का नाम दिया गया है, जिससे आप लोग यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि ये एनिमे भी काफी ज्यादा कमाल का होगा। और अब यहाँ पे बात रही कि अब ये आएगा तो आएगा कब, सो यहाँ पे मैं बता दूं कि डैन 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 का एनिमे शेड्यूल हो चुका है अक्टूबर 2024 के लिए। और अब जहां तक बात करें इसके हिंदी डब के बारे में, सो यहाँ पे डैन 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 के भी हिंदी डब के उतने ही चांसेस है जितने काइजू नंबर 8 के है, इसलिए जब फ्यूचर में इसके बारे में कुछ अपडेट आएगा तब इसके बारे में लोग अच्छे से बात करेंगे। और अब हमारे यही कुछ एनिमेस हैं जो कि 2024 के लिए शेड्यूल है, और इसके अलावा कुछ और भी एनिमेस आते हैं जो कि 2024 के अंदर ही आएंगे, लेकिन किस महीने आएंगे वो अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ है। जैसे रोरुइन किंशिन के बारे में बात करें, जिसका सीजन 2 2024 में ही आएगा, और इसका सीजन 1 ऑलरेडी हिंदी डब में अवेलेबल है। सो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इसका सीजन 2 भी हिंदी डब में आएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, जो कि आता है ब्लिस 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का पार्ट 3, जो कि एज यूजुअल 2024 के लिए शेड्यूल है। एंड इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, जो कि आता है अपना ओशिनोको, जिसका सीजन 2 कंफर्म तो हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि ये 2024 में आएगा कि नहीं। और यहाँ पे सिर्फ ओशिनोको ही नहीं, हेल पैराडाइज, चेंसो मैन की मूवी, बहुत सी और भी कमाल की सीरीज है जो कि अनाउंस तो हुई है, लेकिन कब आएगी, कौन से साल आएगी, वो कुछ भी कंफर्म नहीं है अभी।
इसलिए हाँ उन एनिमेस को लेकर फ्यूचर में कुछ अपडेट्स आएंगे तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और अब हमारा क्रिसमस स्पेशल वीडियो यहीं पर एंड होता है। सो यहाँ पे 2024 के अंदर जितनी भी एनिमेस आने वाले हैं उसके बारे में मैंने आप लोग बता दिया है, और साथ ही मैंने आप लोग ये भी बता दिया है कि किस किस एनिमे का हिंदी डब आएगा। सो यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बताओ कि आप लोग इस एनिमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। और इसके अलावा अगर आप लोग को ये क्रिसमस स्पेशल वीडियो पसंद आया है तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, और इसके अलावा फ्यूचर में अपकमिंग अपडेट्स के लिए चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लो। और अब मैं मिलता हूँ बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।